जितना दिन आप चाहे उतना दिन यहाँ पर पार्क कर सकते हो गाड़ी को। ये जगह मुजफ्फरपुर शहर जो है वो कौन चीज के लिए फेमस है? नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार, मैं आपको आपका अपना चैनल मोहगाछी ग्रीन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं मुजफ्फरपुर जो जंक्शन है उसका पूरा रिव्यू दूंगा, मतलब कहाँ पे क्या है नहीं है वो टोटल चीज मैं दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग आते हैं तो प्लेटफॉर्म में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो मैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हो। और इसका बाहर का लुक मैं बताऊँ तो स्टेशन के जस्ट सामने जो है आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रीम इंजन जो है स्ट्रीम इंजन के बना करके यहाँ पे रखा गया है। और स्ट्रीम इंजन के जस्ट बगल में यहाँ खुदीराम बोस द्वार जो है देख सकते हो आप, खुदीराम बोस द्वार भी है। अगर दोस्तों कमेंट करके बताइएगा मुजफ्फरपुर शहर जो है वह कौन चीज़ के लिए फेमस है। और ये जो देख रहे हैं पूरा पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप अपना गाड़ी वगैरह जो है वह पार्क कर सकते हो। तो यहाँ के जो पार्किंग चार्ज है वो सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुजफ्फरपुर कौन चीज़ के लिए फेमस है। इस द्वार से इस स्टेशन में प्रवेश करते हो देख सकते हो पीछे मीनाक्षी होटल है, और मीनाक्षी होटल के सामने जो है वो महावीर द्वार है। महावीर द्वार से जो आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ से आप प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के बीच जा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो लिफ्ट लगा हुआ है बट चालू नहीं है, ये लिफ्ट लगा हुआ है बट चालू नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर यहाँ से आप जा सकते हो, बाहर से ये रास्ता है, बाहर से आप जा सकते हो। और ये जो पार्किंग ऑफिस जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पार्किंग ऑफिस शायद इधर ही है, इधर पार्किंग ऑफिस इधर है, हाँ पार्किंग ऑफिस इधर है। चलिए पार्किंग ऑफिस में मैं आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे आप गाड़ी जो है वह टोटल चीज पार्क कर सकते हो इस ऑफिस में आप। जो आप देख रहे हो यही पार्किंग ऑफिस है, जो आप देख रहे हो यही पार्किंग ऑफिस है यहाँ पे। अच्छा ये बताइएगा अगर 3-4 दिन कोई गाड़ी आता है रुकना चाहता है यहाँ पे तो वो रुक सकता है? बिल्कुल। कितना चार्ज रहता है उसका? कौन सा गाड़ी पे वो, मतलब अगर कोई 4-व्हीलर से आता है और 3-4 दिन रुक जाए तो उसका चार्ज कितना रहता है? 4-व्हीलर का 40 रुपया है चार्ज। 4-व्हीलर का 4 घंटे का 40 रुपया लिखा हुआ है, देखिए टोटल इस पर ऐड करके लिखा हुआ है आपका, देखिए जितना दिन हो सके उतना दिन वो रुक सकते हैं आप। 6 महीने रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि आप आते हैं यहाँ पे तो कोई काम है तो जितना दिन आप चाहे उतना दिन यहाँ पे पार्क कर सकते हो गाड़ी को। और इस पार्किंग के ही जस्ट बगल में आप देखिएगा तो दुर्गा स्थान जो मंदिर है वो मंदिर है। चलिए मैं अंदर आपको भी दिखाता हूँ, ये दुर्गा स्थान मंदिर जो है वो दिखाता हूँ। और ये जो देख रहे हैं चारों साइड ये पार्किंग है, पार्किंग एरिया है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का, जो पार्किंग एरिया है वो यही है। जब आप पार्किंग से इधर आते हैं तो इधर देख सकते हो पार्सल कार्यालय है, कोई भी आप पार्सल यहाँ से भेज सकते हो या पार्सल रिसीव करना है तो यहाँ से आकर के आप पार्सल रिसीव कर सकते हो। और जब पार्सल के बगल में ही जो है कंप्यूटर अनारक्षित कार्यालय यानी कि रिजर्वेशन जो काउंटर है, टिकट रिजर्वेशन काउंटर वो यहीं पर है, देख सकते हो। ये हो गया पार्सल, देख सकते हो पार्सल काउंटर जो है ये हुआ। और पार्सल काउंटर के जस्ट बगल में आप जाइएगा तो ये रिजर्वेशन काउंटर जो है ट्रेन का रिजर्वेशन काउंटर वो ये है। तो कभी भी आइएगा इस स्टेशन पर दोस्तों तो कंफ्यूज मत होइएगा, पार्सल काउंटर के बगल में ही रिजर्वेशन काउंटर है। तो चलिए फिर इस ट्रेन के आगे की जो जानकारी है मैं आगे आपको देता हूँ। जैसे ही आप इस स्टेशन से एंट्री लेते हो तो देख सकते हो जनरल टिकट काउंटर जो है, जनरल टिकट काउंटर यहाँ पे है आप देख सकते हो। और जनरल टिकट काउंटर के जस्ट बगल में आप देख सकते हो कोविड जाँच केंद्र जो है वहाँ खुला गया है, जो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे 4 बजे तक लगी रहती है। यहाँ पे जो जांच है कोविड की वो चल रही है, ये बहुत ही अच्छी पहल देखा हूँ इस स्टेशन पे। तो चलिए फिर अंदर जो है वो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे जनरल टिकट जो होता है, जनरल बुकिंग का जो टिकट होता है वह इस पर बताया जाता है, जो चालू है ये चालू है। और LED जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेशन पर लगी हुई है जो पूरी जानकारी आपको देती रहेगी कौन ट्रेन कहाँ जाएगी नहीं जाएगी। और इससे मैं एंट्री लेता हूँ अंदर जाकर के, आपको जो चीज़ है इस स्टेशन में वो सभी चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वहीं 1 प्लेटफॉर्म नंबर पे आ गए हैं। और एक प्लेटफॉर्म नंबर के जस्ट बगल में आप देख सकते हो इधर पीने का पानी जो है
पीने का पानी का व्यवस्था जो है यहाँ पे किया गया है, जो देखता हूँ साफ है कि नहीं है। तो आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हो कि साफ सुथरा है या नहीं, या कमेंट करके बताइएगा मुझे। दोस्तों इस स्टेशन पर जो लोग आते हैं तो अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 और 7, 8 प्लेटफॉर्म जो है वह किधर है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं एक प्लेटफॉर्म नंबर, इसी एक प्लेटफॉर्म नंबर से बगल में जो ये रास्ता जाता है, इस रास्ता होते हुए जो आप जाइएगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर यही है 6, 7 और 8, जो उस बगल में जो आप देख रहे हैं वही 8 प्लेटफॉर्म नंबर है। तो कभी भी आप आए यहाँ तो कंफ्यूज मत होइएगा कि 6, 7 और 8 प्लेटफॉर्म नंबर किधर है। उधर एक नंबर हो गया और एक नंबर से जस्ट पीछे जो आइएगा तो आपको 6, 7 और 8 प्लेटफॉर्म नंबर मिल जाएगी। तो चलिए और जो विशेषता है इस स्टेशन का मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए फिर आगे चलता हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 जो है उधर ऊपर की ओर मैं चलता हूँ। अगर आप बाहर से आते हैं इधर तो ये ब्लॉक है, तो इधर थोड़ा सोच के आइएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 होते हुए ही आइएगा। और पापा ट्रेन से ना क्या वो आए इधर से जो आप देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच जाने का रास्ता हुआ। ये जो देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच जा सकते हैं आप। और प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 भी जो है वो वर्क चल रही है, जो आप मेरे कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4, 5 भी जो है वो वर्क चल रही है प्लेटफॉर्म नंबर। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लिफ्ट लगा हुआ है, लेकिन कोविड के कारण यहाँ पे लिफ्ट अभी जो है वो बंद है। लेकिन जो ट्रेन का जो दूसरी छोर है उधर चलिए मैं चलता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रेन की मतलब ये जो आप देख रहे हैं वह जो स्टेशन की जो है वह दूसरी ओर का रास्ता है, दूसरी ओर आप यहाँ से जा सकते हो। बनाने की जो वर्क है वह देख सकते हो आप चल रहा है। स्टेशन की जो दूसरी छोर है वो ये है अनारक्षित टिकट घर, मतलब यहाँ से आप भी टिकट भी कटा सकते हैं जनरल बुकिंग के लिए, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो, अभी भी चालू है। और कोविड जांच केंद्र जो उस गेट पर भी था और मैं जो यहाँ पे लाया हूँ आप देख सकते हो इधर भी कोविड जांच केंद्र है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जाइए मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले। मैं रोहित कुमार, महुआ का सी ग्रीन।